Sí, muy bien. Como el viento marito, नमस्कार, मैं अन्ना दाव और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में गायक ही नायक बा, यदि एक एल्बम हिट बा तो सिनेमा में फिट बा। इस फॉर्मेट का सबसे ज्यादा फायदा उठाया भोजपुरी जगत के चमकदार सितारे पवन सिंह ने। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को करीब से देखा, लेकिन पवन सिंह को पहचान अपनी ओढ़निया वाली से मिला जो कि काफी हिट रहा। उसके बाद उन्होंने कई भोजपुरी एल्बम निकाले, लेकिन 2008 में रिलीज हुआ लॉलीपॉप नागेलू जबरदस्त हिट हुआ और रातों रात पवन सिंह को स्टार बना दिया। पवन सिंह ने अब तक 70 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों और 100 से ज्यादा भोजपुरी एल्बम में अभिनय के साथ साथ गाना गाया। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी हीरो और हीरोइनों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास शोहरत आती है तो साथ ही साथ परेशानियां भी दस्तक देना शुरू हो जाती हैं। इसी विवादों का शिकार बने भोजपुरी के राजा पवन सिंह। बता दें, पवन सिंह पर अश्लीलता फैलाने और डबल मीनिंग वाले गाने गाने के आरोप लगाए। वहीं पवन सिंह का दूसरा गाना सानिया मिर्जा की नथुनिया जान मारे ले काफी विवादों में रहा। 10 सितंबर 2009 को प्रबोधिनी फाउंडेशन याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने FIR के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता ने पवन सिंह सहित 3 भोजपुरी गायकों पर अश्लीलता फैलाने और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। बात अगर पवन सिंह की शादी की करें तो 1 दिसंबर साल 2014 को वो नीलम सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन उनके जीवन में दुख की घड़ी तब आई जब उनकी पत्नी ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह आज तक तो नहीं पता चल पाई, जिसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने 6 मार्च को ज्योति सिंह से शादी कर ली। बतौर अभिनेता और गायक अपने आप को प्रूव करने के बाद हाल ही में पवन सिंह ने राजनीति में कदम रखा और BJP ज्वाइन कर लिया। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हैं। पवन सिंह के सफर के दौरान पवन सिंह का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, जिसमें भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शामिल है, जिसमें इस प्रेम कहानी के अंत भी बेहद विवादित रहा और मीडिया से लेकर आम पब्लिक के बीच भी इनके ब्रेकअप की चर्चाएं रही और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहद चहेते कपल एक दूसरे से अलग हो गए। हम फिर हाजिर होंगे भोजपुरी के किसी नए योद्धा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज़। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।